हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट आई है। गुड़गांव के अंदर इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ द डीबीट ऑफ मनेश्वर एंड एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ये आपकी भर्ती रहेगी। मेंटोलॉजी MEG रिसर्च फैकल्टी के अंदर जो है प्रोजेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ये भर्ती है। 21/4/2022 से पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है। ऑफलाइन फॉर्म भेजने का पता आपका इस प्रकार है। द मैनेजर MEG रिसर्च फैसिलिटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NH08 नैनवाल मोड्स मनेश्वर गुरुग्राम हरियाणा 122052 के पते के ऊपर आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं या व्यक्तिगत द्वारा भी दे सकते हैं। और COVID-19 के कैंडिडेट्स कैन बी अप्लाई, COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए कैंडिडेट कैन बी अप्लाई टू पोस्ट थ्रू ईमेल। COVID-19 को देखते हुए आप ईमेल के थ्रू भी आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF में लगा के स्कैन करके एक ही PDF में आप इस manager.mg@nbrc.ac.in के ऊपर आप भेज सकते हैं। पोस्ट का नाम है टेक्नोलॉजी MEG प्रोजेक्ट। वन पोस्ट है, MSc की भी होनी चाहिए। फिजिक्स और स्पेशलाइज टू इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTech और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टेक्निकल विद EEG कर रखी है तो वर्क एक्सपीरियंस विद ट्रेनिंग होना चाहिए आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड्स। एज रहेगी आपकी इसमें 40 ईयर्स। सेकेंड पोस्ट रहेगी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट की, एक पोस्ट है इसमें। MSc की होनी चाहिए या BTech की होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए EEG और रिलेटेड सब्जेक्ट टू हैविंग टू नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एडवांस ट्रेनिंग EEG एंड रिलेटेड एरिया। 40 ईयर्स आपकी लास्ट डेट रहेगी। 3 नंबर पोस्ट आपकी नर्सिंग नर्स की प्रोजेक्ट की, नर्स की एक पोस्ट रहेगी। BSc नर्सिंग की होनी चाहिए। 12वीं स्टैंडर्ड डिप्लोमा नर्सिंग मिडवे 3 ईयर्स कोर्स ऑफ द स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड एनी अदर इंस्ट्रक्शन। और नर्सिंग में एस सर्टिफिकेट विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस टू गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट नर्सिंग ऑटोमेंशन बॉडीज। 35 इयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। 1-2 ईयर का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंक्लूडिंग टू फैमिलिटी और न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट्स एंड एबिलिटी एक्सपीरियंस। 4th पोस्ट रहेगी आपकी नर्सिंग ऑर्डरी की, एक पोस्ट ही है। 10वीं स्टैंडर्ड पास की होनी चाहिए। आपके पास एक एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटलाइज नर्सिंग इन इंस्टीट्यूट नर्सिंग होम, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 ईयर्स के लिए आपको लास्ट डेट रहेगी इसकी। आपकी एज आपकी 35 ईयर्स रहेगी, लास्ट डेट के अनुसार आपकी एज मेंशन की जाएगी। 5 नंबर पद आपका लैब अटेंडेंट के, लैब अटेंडेंट के 3 पद हैं जो 8th क्लास पास की होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। फॉर्म आपको 21 तारीख से पहले फॉर्म सबमिट करना है या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशंस मे वेरी डिडक्टिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम टू ऑफ इंटरव्यू। नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका PDF के अंदर निकलवा के इसको भर के और सारे डॉक्यूमेंट को PDF में लगा के आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्यूचर जॉब अलर्ट को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।